हरे कृष्णा, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर। तो आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो हमारा टॉपिक है कि लोगों को पता है कि इस दुनिया से एक ना एक दिन जाना है, बट वो इस जो झंझट है इसके अंदर क्यों पड़े हुए हैं, मतलब इन कामों के अंदर इतना क्यों उलझे हुए हैं, और वो इसका पूरा रस क्यों ले रहे हैं, और भगवान का नाम क्यों नहीं ले पाते, वो चीज़ें मैं आपको आज इस स्टोरी के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपने ये स्टोरी सुन ली तो मैं एक बात की गारंटी ले सकता हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगा कि बंदा यहाँ पे क्यों फंसा हुआ है, क्यों नहीं निकल पा रहा है। और अगर आप अच्छे तरीके से सुन लोगे, समझ लोगे, तो शायद आप निकल जाओ। तो स्टोरी क्या है कि एक टाइम के अंदर एक जो राजा था, वो एक ना जंगल के अंदर चला गया, मतलब जंगल के अंदर गया, वहाँ पे वो अपने मतलब जो भी सैनिक थे उन सब से अलग हो गया, और वो जंगल में खो गया। और जंगल में था पूरा अंधेरा, मतलब रात हो गई वहाँ पे पूरा अंधेरा था। तो अंधेरे के अंदर से जानवरों की आवाज़ आ रही थी, ठीक है, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, और भूत प्रेत होते हैं जो, उन सब की आवाज़ें आ रही थी। तो उसने भागना शुरू किया, वो भागता गया, क्योंकि आवाज़ें आ रही थी। तो आप सोचोगे जब आप अकेले हो और आवाज़ें आ रही हो तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। तो उसने भागना शुरू किया, और भागते भागते अब अंधेरा तो था ही, उसे आगे देखा नहीं, वो एक कुएं के अंदर गिरा। तो कुएं के अंदर गिरते टाइम उसको एहसास हुआ कि मतलब उसने एक लकड़ी पकड़ ली, कोई उसके ऊपर पेड़ था, उसने वो लकड़ी पकड़ ली और वो नीचे नहीं गिरा, बीच में रुक गया। तो उसने जब नीचे देखा तो नीचे वहाँ पे एक बड़ा तगड़ा, जिसे हम बोल सकते हैं नाग बोल सकते हैं आप, ठीक है, या कोबरा बोलो आप, तो वो नीचे बैठा हुआ। और ऊपर जब उसने देखा तो ऊपर उसको और नज़दीक से शेर की आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई, यानी कि शेर उसके बिल्कुल ऊपर आके खड़ा हो गया, यानी कि अब नीचे भी मौत है, ऊपर भी मौत है, जहाँ मर्जी जाए। तो उसको नीचे कोबरा दिख रहा है, ऊपर उसको शेर दिख रहा है। तो हुआ क्या, जो वो ऊपर पेड़ था ना, उस पर पेड़ पे लगा हुआ था मधुमक्खी का छत्ता, उस मधुमक्खी के छत्ते में था शहद। अब वो दोनों तरफ से डर रहा था, नीचे भी मौत, ऊपर भी मौत। पर लेकिन हुआ क्या, जो वो शहद था उसमें से वो शहद टुपका गिरना शुरू हुआ और उसके मुँह में जाना शुरू हुआ, यानी कि उसको मज़ा आना स्टार्ट हो गया। पर एक चीज़ और थी कि जो वो लकड़ी थी जिसके ऊपर वो लटका हुआ था ना, उसको चूहों ने कुतरना स्टार्ट कर दिया था। एक काला चूहा था, एक वाइट चूहा था, यानी कि दो चूहों ने उस लकड़ी को कुतरना शुरू कर दिया। अब जब उसने ये देखा तो उसे डर लगा कि यार ये लकड़ी कुतर रहे हैं, बट लेकिन उसके मुँह में शहद गिर रहा था, तो वो शहद खाने में मगन हो गया। वो तो शहद खाता गया, मज़ा लेता गया शहद का, और इधर उन्होंने लकड़ी पूरी वो मतलब कुतर रहे थे, काट रहे थे बोलो आप, तो उसके में लगे हुए थे, यानी कि तीनों तरफ उसके पास अब खतरे हो गए हैं। नीचे अजगर है, कोबरा है, ऊपर शेर है, और वो लकड़ी काट देगा तो वो नीचे जाएगा और वो मर जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों तरफ उसके मतलब टेंशन है, पर लेकिन क्या हो रहा है, वो शहद की बूंदें ऊपर से गिर रही हैं, वो उनका मज़ा ले रहा है, वो टेंशन वो भूल गया है, तो वो शहद खाता जाएगा। तो अब एक टाइम पे क्या होएगा, वो जो चूहे हैं वो उस लकड़ी को काट देंगे और वो नीचे गिरेगा और वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी स्टोरी यहीं तक है, यही छोटी सी स्टोरी है। इसके अंदर क्या सीखने के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो कुआ है, ये हमारी ज़िंदगी है, ये जो धरती है उसके ऊपर हम आ गए हैं, ठीक है, मतलब हम उसके अंदर कूद गए हैं, ठीक है। और जो चूहे हैं वो क्या हैं, वो कुतर रहे हैं, वो क्या हैं, वो दिन और रात है, यानी कि दिन और रात के थ्रू हमारा टाइम ख़त्म होता जा रहा है। अगर हम नहीं उसको यूज़ करेंगे, मतलब अगर हम उसको उसके कुछ उपाय नहीं करेंगे तो वो ख़त्म होता चला जाएगा। जैसे उसकी लकड़ी, उनके चूहों के खतरने से लकड़ी ख़त्म हो जाएगी ना, तो वैसे ही हमारा टाइम है जो वो ख़त्म हो जाएगा और हम नीचे जाएंगे, यानी कि जो नीचे जो अजगर है वो मौत है, हम उसके मुँह में चले जाएंगे, ठीक है। और अगर हम कुछ कर भी लेते हैं, अगर ऊपर भी जाएंगे, जाना तो तब भी मौत के मुँह में ही है। पर लेकिन यहाँ पे बंदा क्यों अपने मतलब एफर्ट करने स्टार्ट कर देता है, यहाँ पे पूरी तरह से क्यों अच्छे तरीके से जीना स्टार्ट कर देता है, या फिर वो बाकी सारी चीज़ें भूल जाता है, क्यों? क्योंकि उसके मुँह में शहद गिरता रहता है। जैसे कभी घर में शादी हो गई, कभी कोई फंक्शन हो गया, कभी कोई खुशी मिलेगी छोटी मोटी, तो उसके अंदर वो उलझ जाता है, वो शहद है जो हमारे मुंह के अंदर टपक रहा है, जो हमें इस दुनियादारी को नहीं छोड़ने देता। और इसकी वजह से ही हम दुनियादारी को छोड़ नहीं पाते, भगवान का नाम ले नहीं पाते, क्योंकि हमारे मुंह में वो शहद की बूंदें गिर रही हैं, बट हम बाकी जो सारी सिचुएशन है जो हमारे खिलाफ है, हम उसको भूल गए हैं, बस सिर्फ इस शहद की बूंद के चक्कर में। तो आपने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई दिक्कत नहीं, शहद मुंह में गिर रहा है, अच्छी बात है, आप शहद का भी मज़ा लो, अपनी खुशियों का भी मज़ा लो, ठीक है। बट भगवान को कभी ना भूलो, भगवान को याद करो,
क्योंकि भगवान ही हैं जो आप इसको आपको इस अंधेरे जंगल में चूहे से भी बचा सकते हैं, सांप से भी बचा सकते हैं और शेर से भी बचा सकते हैं। बस वो कौन है? भगवान है। भगवान के अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता। तो भगवान का नाम हमेशा ही आपने लेना है। जहाँ इतने सारे कामों के लिए हम 8-8, 10-10 घंटे या बहुत सारे दिन साल दे देते हैं लोगों कामों के लिए, तो भगवान के लिए भी हमने कम से कम 1-2 घंटा डेली निकालना ही है ताकि वो नाम लें और हमें जो ये जंगल है इससे बाहर निकाल सकें। और इस जंगल से बाहर जाके हम अपना जो भगवान के धाम में जाके उनकी सेवा कर सकें। तो बाकी अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, आपने इससे कुछ सीखा है, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है जी, हरे कृष्ण।